उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPSEDA की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, उपायुक्त उद्योग रवि शर्मा, चैम्बर ऑफ गारमेंट्स के अध्यक्ष रमाशंकर शुक्ला सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और उद्यमी मौजूद रहे। बैठक में UPSEDA द्वारा उद्यमियों के लिए आवंटित किए जाने वाले भूखंडों पर चर्चा की गई तथा प्रेजेंटेशन के माध्यम से UPSEDA के कार्यों को दर्शाया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा उद्यमियों को भूखंड उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किया गया है और जल्दी उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन आवंटित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लिंक एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, जिससे उद्यमियों को उद्योग लगाने में आसानी हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, एक्सप्रेसवे के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए UPSEDA की टीम लखनऊ से आई है। माननीय अपर मुख्य सचिव अवस्थी साहब ने टीम भेजी है और मैं उनका स्वागत भी करता हूँ पूरी टीम का, और मैं सभी हमारे सम्मानित उद्यमियों का भी स्वागत करता हूँ। आज ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस तरह हम लोग लगातार विचार विमर्श करते हुए, विश्लेषण करते हुए गोरखपुर में और गोरखपुर मंडल और आसपास के क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए हर संभव प्रयास करें। मंशा यही है शासन की, सभी की शीर्ष स्तर पर प्राप्त निवेश बढ़े और हाँ और विभिन्न घटकों में और काम हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो और अवस्थापनाओं में सुधार हो, इस मंशा के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो रहा है और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में भी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है और ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम लोग उसमें सुनियोजित तरीके से प्लान करें। लोकेशनल एडवांटेजेस यहाँ पे सारे फैक्टर डेवलपमेंट है, लेबर हो या लैंड हो, सारी तरह की और इंडस्ट्रियल पॉलिसी एनवायरमेंट भी शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के बारे में एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण आपके सामने UPSEDA की टीम करेगी, उसके बाद आप अपना अपना मत जरूर बताइएगा, खुलकर चर्चा हो, सभी को तरफा संवाद हो और उसके बाद एक सुनियोजित तरीके से हम कार्योजना बनाते हुए शासन को प्रेषित करें और अति शीघ्र इसको दरासल पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काम प्रारंभ करें और जितनी भी यहाँ इकाइयाँ हैं वो अपना रिस्क एपेटाइट को और आगे बढ़ाएं और ये हमें UPSEDA की तरफ से ये प्रोजेक्ट दिया गया है। मेरे साथ है सेजल, प्रशांत और रजनीकांत। इसके बारे में भी डिस्कशन करना है, क्या इंडस्ट्रियल क्लाइमेट होगा, इसको कौन कौन से सेक्टर को प्रमोट करेंगे, उसके बारे में आज हम आपसे सजेशंस लेना चाहते हैं और उन इनपुट्स को ड्राफ्ट करेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे इस कॉरिडोर में इंडस्ट्रियल क्लाइमेट को असेस करते हुए कि क्या वहाँ पर डेवलपमेंट हो। सो सर, बेसिकली जो हम हाई इम्पैक्ट एरिया होता है या जो मार्केट ड्रिवन एरियाज हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस किस जगह पे हो और कौन सा सेक्टर हो प्राइमरली, वो हमें इस डिस्कशन के थ्रू हम कंसल्टेशन करना चाहते हैं आपसे और आपके सारे सजेशंस लेना चाहते हैं। सजेशंस देंगे तो जब हम अपना एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे या स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो वो सजेशंस को हम अगर पहले ही ध्यान रखेंगे तो वो बाद में उसमें ज़्यादा सजेशंस मतलब चेंज नहीं होंगे। मतलब हम अभी ले लेंगे इनपुट्स तो हमें पता रहेगा कि क्या आप लोगों का एक मतलब, क्योंकि आप इस लोकल रीजन से ज़्यादा अवेयरनेस है, ज़्यादा नॉलेज है, तो हम उसको अगर अभी ही अपनी ड्राफ्ट स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर लेंगे तो अभी हो रहे इन एरियाज को हम डेवलप कर रहे हैं। बट UPSEDA का एक स्पेशल फोकस था कि हम गोरखपुर बीइंग एन इन्फ्लुएंस रीजन, हम वहाँ पे क्या डेवलपमेंट देख सकते हैं। कुछ दो तरीके के हमने फॉर्म ड्राफ्ट करे थे, एक हमारा था एसोसिएशन का और एक जनरल ओवरऑल रैंकिंग की बात करनी थी कि अगर 10 पैरामीटर्स हैं तो उन 10 पैरामीटर्स में आप किसको ऑफकोर्स विद अ रैंकिंग ऑफ 1 2 3 4 5
कहाँ पे आप हम आपकी रैंकिंग लेके असेस करेंगे, कहाँ पे एक ओवरऑल इंडस्ट्रियल क्लाइमेट को इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्या एसोसिएशन है, क्या मतलब आपका फोकस सेक्टर पूर्वांचल में क्या है। तो हमने एक जनरल बनाया था कि एग्रो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है। यूपीडा की टीम आज जनपद में आई थी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के आसपास जो ज़मीन का लैंड बैंक चिन्हितकरण हुआ है उसमें जो औद्योगिक विकास के लिए जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ, उद्यमियों के साथ बैठक की गई, विचार विमर्श किया गया, विश्लेषण किया गया और उस योजना में अच्छी रूपरेखा देने के लिए उनसे महत्वपूर्ण सुझाव भी मिले हैं और उनसे कुछ चेंजेस के लिए भी उन्होंने अनुरोध किया है, नीतिगत मामलों में और क्रियान्वयन में भी दोनों में दिया गया है। उसको अंगीकृत करते हुए आगे की कार्ययोजना बनाई जाएगी। एक महीने के भीतर ये पूरी योजना को शासन को प्रेषित किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी।